पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और अभी कुछ दिनों पहले भी मुरादाबाद के रामगंगा विहार में एक साथ 6 जो निर्माण थे उनको सील किया गया था और सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट पवन अग्रवाल, जिनका एक सीधे तौर पर कहना है कि अगर इन निर्माणों को जब किया जा रहा था तो अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन्हें पहले ही आखिरकार क्यों नहीं रोका, और 26D के तहत जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने जो दोषी अधिकारी पाए गए उनके खिलाफ आखिरकार कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई, इसी पर चर्चा करेंगे। पवन जी, सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार ये 26D जो अधिनियम की एक धारा है ये क्या है और इसमें क्या होता है? ये उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा है। ये धारा विधानमंडल द्वारा इसलिए पारित की गई थी कि लगातार देखने में आ रहा था कि सरकार का काफ़ी पैसा ध्वस्तीकरण में भी लगता है, कार्रवाई में समय काफ़ी लगता है, जनता के साथ साथ सरकार का भी नुकसान होता है और इसका लाभ उठाते हैं भ्रष्ट अधिकारी। उसकी रोकथाम को लेकर के एक ये कानून बनाया गया कि जब भी कोई एक अधिकारियों की सीमाएं बांध दी गईं कि जो अधिकारी वहाँ पर पोस्टिट किया गया है वो उस निर्माण को रोकेगा, अवैध निर्माण को प्रारंभिक प्रकरण में ही रोक देगा जिससे इसमें पुनरावृत्ति ना हो, तो उसको लेकर के ये जो है धारा बनाई गई थी। अच्छा, अब आपने क्या लगता है कि मुरादाबाद में लगातार विभागीय अधिकारियों के द्वारा एक सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई मानते हैं सर? देखिए, ये कार्रवाई जो है खानापूर्ति है। इसके कार्रवाई की आड़ में लगातार ये आपसे ही नहीं आ रहा, जो अधिकारी आता है यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर केवल मोटा पैसा उठाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद अधिनियम बतला रहा है। ऐसा ही एक प्रकरण हुआ है माननीय उच्च न्यायालय में 46/33/2019, राजेंद्र प्रसाद अरोड़ा बनाम उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास विभाग, उसके अंदर भी ऐसे ही हुआ था जिस पर माननीय हाई कोर्ट की जो खंडपीठ थी उसने इस प्रकरण को देखा। देखने के बाद उन्होंने खुद कहा कि प्रारंभिक प्रकरण के अंदर ये कार्रवाई ना करना ये बात तय करता है कि जिस अधिकारी को जो दायित्व सौंपा गया था अवैध निर्माण को रोकने के लिए वे इसमें असफल रहा है, वो उसको रोकने में नाकाम रहा है, तो उसके लिए प्रावधान है 1 माह का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, और दोनों का भी प्रावधान है कि दोनों भी हो सकते हैं अगर वो पाया जाता है। अभी देखिए, अब मैं अभी लोगों को बताता हूँ, ये भी मुझे प्रेस नोट से पता लगी, जो मीडिया को एक प्रेस नोट मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जी ने 30/9/2024 को जारी किया, जिसके अंदर 6 भवन अभी सील किए गए, वो भी एक खानापूर्ति थी क्योंकि 6 भवन जो सील हैं, आप मौके पर जाकर के मीडिया में मैंने फोटो देखे हैं, कोई भवन ऐसा नहीं है जो एक दिन में खड़ा हो जाए, कम से कम 1-2 साल उस भवन को खड़े करने में लगे हैं, और उस भवन को खड़ा करते वक्त वहाँ के आवार अभियंता के विरुद्ध तो कोई कार्रवाई नहीं करी की गई। कहने को साहब ये उठता है कि मीडिया खुद छाप देती है, बुरा ना माने, वो स्पष्ट बात बदला रहा हूँ कि BC साहब बहुत बढ़िया हैं, बहुत ईमानदार आए हैं और प्राधिकरण को मतलब जो है अवैध निर्माण को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई अगर वो कर रहे हैं तो वो खुद ये बतलाएं कि 1.5 साल के अंदर ये निर्माण कैसे खड़ा हुआ, उस अवर अभियंता के विरुद्ध आपने उसकी क्या जिम्मेदारी तय की, कोई नहीं करता। तो मेरा ये कहना है माननीय आयुक्त महोदय से कि आप उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26D पर संज्ञान लें और ऐसे दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों को ढूंढ करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, और उनके जो काम में लापरवाही बरती गई, जो उन्होंने सदोष लाभ लिया गया और जो सरकार को सदोष हानि पहुंचाई गई, उसका भी संज्ञान जरूर लिया जाना आवश्यक है। क्या लगता है कि मुरादाबाद में ऐसे सिर्फ एक रामगंगा विहार ही नहीं है, मुरादाबाद में बहुत सारी जगहों पर ऐसे निर्माण हो रहे हैं, पहले उनमें सील लगती है फिर वो खोल दिए जाते हैं या फिर एक लिमिटेड टाइम उनको दे दिया जाता है कि भाई अब जाइए और आप इसे बना लीजिए, उसके बाद फिर वहाँ पर वो सीलिंग की कार्रवाई होती है, कहीं ना क्या किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, इसका सीधा सा उदाहरण खुद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की वो फाइलें बताएंगी। एक होता है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अंदर शमन प्रक्रिया। शमन प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई निर्माण किया जाता है मानचित्र से अलग हट करके, तो विभाग उसको सील कर देता है कि आपने मानचित्र जो स्वीकृत मानचित्र था उसके विपरीत नक्शा बनाया है। मकान को सील किया जाता है, पैसों की डीलिंग चलती है, समय दिया जाता है, शमन शुल्क जमा कराया जाता है, बकायदा रसीद कटती है, पर शमन कभी नहीं होता। जबकि नियम यह है शमन शुल्क इसलिए लिया जाता है क्योंकि सरकारी बुलडोजर आता है गिराने के लिए पैसा लगता है, तो शमन शुल्क लिया जाता है, लेकिन शमन शुल्क तो लिया जाता है लेकिन उस प्रतिभाग का जो अवैध निर्माण होता है उसका शमन कभी नहीं हुआ। देखने में आता है बहुत सारी जगह पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो जाती है, किस तरह की कार्रवाई मानते हैं? देखिए, वो कार्रवाई केवल ये है जिसने विभाग के अधिकारियों को खुश नहीं करा या उनको सदोष लाभ नहीं पहुँचाया, कार्रवाई मात्र उन्हीं पर है, पर उन पर नहीं है जो
सदोष लाभ पहुंचा रहे हैं। सीधा सा और ताज़ा उदाहरण 30/9/2024 की हुई कार्रवाई है, आप मौके पर जाकर देखें क्या वो सील अभी लग रही है। दो दिन पहले की कार्रवाई है, सील वहाँ से गायब हो चुकी हैं, नोटिस फट चुके हैं और आज भी काम मौके पर चल रहा है। ये दो दिन पहले की कार्रवाई बता रहा हूँ, हम ज़्यादा पुराने में नहीं जा रहे, आप अभी का देख लीजिए ताज़ा हाल। अच्छा, आपने अब किससे आपने ये मांग की है, किसको शिकायत? देखिए, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश अगर कार्रवाई के नाम पर जाना जाता है तो एक अधिकारी मात्र है, आनंदजी कुमार जी। वो एक ऐसे ईमानदार अधिकारी हैं जिनका रुतबा यूपी नहीं पूरे देश में बोल रहा है, जो न किसी राजनीतिक दबाव में आते हैं, किसी न नेताओं के दबाव में आते हैं, जो केवल सच्चाई का साथ देते हैं और जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मैं उन्हीं के ही दरबार में हाजिरी लगानी है मैंने और प्रार्थना पत्र दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय आनंदजी कुमार जी इस पर संज्ञान लेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में पवन अग्रवाल, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि आखिरकार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा जब कार्रवाई आम पब्लिक के खिलाफ की जा रही है तो उन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आखिर कब कार्रवाई होगी, ये देखने वाला वक्त है। और ये बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब शासन के द्वारा एक धारा तय की गई है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो अभी तक ऐसे अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है? पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।